हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल SSG टेक में। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉपीराइटेड कंटेंट इन वीडियो अपलोडेड बाय यूट्यूब क्रिएटर्स। चलिए तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट हमारे वीडियो में आया है उसको कैसे रिमूव करें ताकि हमारा डीम मोनेटाइजेशन कंटिन्यूअस एक्टिव रहे, वो कभी जाके डिसेबल ना हो। तो सबसे पहले हमको हमारे YouTube डैशबोर्ड अकाउंट पे लॉगिन करना है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने अपने मेरे YouTube डैशबोर्ड वाला लॉगिन किया है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसको जो भी मेरे अभी तक के वीडियोस हैं उसका पूरा डिटेल आया है। तो उसमें आपको पहले जाना है वीडियो मैनेजर में। तो वीडियो मैनेजर में आप देख सकते हैं कि मेरे एक वीडियो में कॉपीराइटेड कंटेंट का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे वीडियो में कुछ तो कंटेंट है जो कॉपीराइटेड है और वो मुझे निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें डिटेल में जानकारी चाहिए कि एक्चुअल आपके वीडियो में क्या कॉपीराइटेड कंटेंट है। अगर वो इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो हमें वो वीडियो हमारे अकाउंट में से डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा है कि वो जो कंटेंट है वो रिमूव करना पड़ेगा, और तीसरा ऑप्शन है कि जो भी कंटेंट है अगर हम रिमूव नहीं कर सकते तो किसी दूसरे चीज़ से हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी मेरे वीडियो में जो कॉपीराइट कंटेंट का मैसेज आया है वो किसके लिए है। तो उसके लिए हमें हम ये इंक्लूड कॉपीराइटेड कंटेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कॉपीराइटेड कंटेंट की डिटेल्स दिए हुए हैं। उसमें दिखा है कि मेरा जो वीडियो है उसमें एक सॉन्ग है जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट में आता है। तो अभी मुझे वो इस वीडियो में से निकालना है या फिर रिप्लेस करना है, या तो फिर मुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है? तो उसके पहले हम एक जानकारी देते हैं कि YouTube के पास एक लिस्ट अवेलेबल है कि उसमें उन्होंने जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट है उसका एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लुकअप कॉपीराइट पॉलिसी फॉर मिलियन सॉन्ग्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो भी पूरी लिस्ट है वहाँ पे आ जाएगी, कि जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। तो इन फ्यूचर आपको जब भी कोई वीडियो बनाना है तो आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस और सॉन्ग्स कॉपीराइटेड कंटेंट में आते हैं, वो आप अपने वीडियो में मत यूज़ कीजिएगा। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, रिमूव सॉन्ग एंड फाइल डिस्प्यूट। तो अगर हम फाइल डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे तो आप YouTube से जो भी आपके इसमें डिटेल अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, उसके बारे में आप आपको इन्फॉर्मेशन दे के उनको बता सकते हैं कि बाबा जो भी कंटेंट है उसका आपके पास लीगल लाइसेंस अवेलेबल है। तो उसके लिए ये प्रोसेस है, लेकिन हम अभी ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे। तो हम जाते हैं अभी रिमूव सॉन्ग्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आया है इरेज ऑडियो एंड सेकंड ऑप्शन है ऐड और रिप्लेस ऑडियो। तो इरेज ऑडियो में आपको ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपका जो भी आपके वीडियो में जो सॉन्ग है यहाँ पे आप टिक क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है कि इरेज, यहाँ पे इरेज पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके वीडियो में जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट रहेगा वो पूरा इरेज होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ पार्शल सॉन्ग आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन है
ऐड और रिप्लेस ऑडियो। तो अगर आपको पता है कि आपके वीडियो में कुछ पोर्शन ही उसमें से ऑडियो है, पार्शल ऑडियो आपको रिमूव करना है, आपको पता है कि आपके वीडियो में कहाँ से कहाँ तक कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और इसमें से कोई भी आप एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसमें से एक इंस्पिरेशनल कोई भी सॉन्ग आपका वीडियो को जो सूट करता है उसमें ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जहाँ भी कंटेंट रहेगा आप उसको मूव कर सकेंगे। तो अभी मुझे पता है कि मेरे वीडियो में कहाँ पे कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे जाके उसको वो टाइम पे यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो मैंने अभी ये कॉपीराइटेड कंटेंट रिप्लेस कर दिया है, जो भी यूट्यूब पे अप्रूव्ड वीडियो सॉन्ग्स अवेलेबल है मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे जाके मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो गूगल अभी आपको एक अलर्ट मैसेज देगा कि वाइल एडिट प्रोसेस ये कंटिन्यू रहेगा, तब तक आपका ओल्ड वाला वीडियो प्ले होता रहेगा। तो यहाँ पे जाके आपको सेव करके क्लिक करना है। इस तरह से अभी आपका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑलरेडी एडिटिंग प्रोसेस में है और विद इन 1 आवर ये अप्रूव हो जाएगा, तो इसमें से आपका कंटेंट निकल। हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मैसेज था कि आपका वीडियो इंक्लूडिंग कॉपीराइट कंटेंट, वो यहाँ से निकल चुका है और हमारा वीडियो अभी भी एडिटिंग प्रोसेस में है, तो विद इन 1 आवर ये एडिट हो जाएगा और इसमें से ऑलरेडी कंटेंट निकल चुका है और यहाँ पे जो वार्निंग मैसेज था वो भी निकल गया है। तो इस तरह से आप जो आपकी वीडियो में जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट आएगा वो आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।